मैं पीयूषा शर्मा। आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि गर्मी से आपको कब राहत मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली NCR में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आज हम आपको ये बताते हैं कि कब तक आपको ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और कब आपको गर्मी से राहत मिलेगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अन्य राज्य जो व्यूअर्स हैं जो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी खबर है कि कब उनके राज्यों में बारिश और गर्मी से राहत उनको देखने को मिलेगी। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग जो है साइकिलिंग करते हुए और जॉगिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अनलॉक के टाइम पर जॉगिंग साइकिलिंग ये सब खुल चुका है। आप लोग कहीं पर भी जा कर के कर सकते हो। तो इंडिया गेट पर वापस से कहिए, एक बार लॉकडाउन के बाद रौनक आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह से जॉगिंग करने के लिए निकले हुए हैं। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये खबर आप सभी के लिए है कि कब दिल्ली NCR में और बाकी राज्यों में आपको गर्मी से राहत मिलने वाली है। लेकिन दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है, वो पिछले कुछ दिनों से तापमान जो है वो बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और कल दिल्ली के आयनगर एक स्टेशन है, वहाँ पर जो अधिकतम तापमान था वो 40 डिग्री तक पहुँच गया था। तो 40 डिग्री की गर्मी अब भी दिल्ली में लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन आज जो तापमान है, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम दिल्ली की बात करें तो 43 डिग्री जो कि सफदरजंग का जो तापमान था कल, वो देखने के लिए मिला था। अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो आज जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वहीं न्यूनतम तापमान भी दिन पर दिन 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है। तो अभी गर्मी जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से अगर आपको बताएं तो अगले कुछ दिनों का जो अपडेट है कि कब आपको गर्मी से राहत मिलेगी, तो अगर आप लोग दिल्ली NCR में हैं तो दिल्ली में तो अगले 2 से 3 दिन तक आपको गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है, कल भी अगर आप देखें तो अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है कि अगले 2 दिन तक, कम से कम अगले 2 दिन तक तेज़ गर्मी दिल्ली NCR में तो कम से कम आपको देखने को मिलेगी ही। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मॉनसून दस्तक दे चुका है, बारिश तेज पड़ रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, ये सभी जो एरियाज हैं यहाँ पर तेज़ बारिश पड़ रही है। इसके साथ ही बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उन सभी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में लगातार तेज़ बारिश पिछले कुछ दिन से देखने को मिल रही है। और आज भी यही सभी राज्य हैं जहां पर तेज़ बारिश आज भी पड़ने वाली है। आपको दिखाते हैं कि कुछ लोग देखिए अभी भी जो है जॉगिंग के लिए सुबह सुबह निकले हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखाना ज़रूरी है उस तरफ की, अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो लोग सुबह से ही जॉगिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इंडिया गेट ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पर सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते थे, और जब से लॉकडाउन था तो इस पूरे एरिया में सन्नाटा पसरा पड़ा था, बिल्कुल सुनसान ये एरिया हो गया था। और इंडिया गेट पर फिर से एक चहल पहल नज़र आ रही है, काफ़ी समय के बाद ही आ रही है। तो हम आपको वेदर अपडेट के साथ ही साथ ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं ताकि आप ये देख पाएं कि वापस से जो लोग जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो लोग भी अगर सोच रहे हैं कि हम घर से निकल पाएंगे या नहीं, या जा सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा आगे का आपको वेदर का अगर हम अपडेट बताएं तो जैसा कि मैं बता रही थी, नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे स्टेट्स हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पर जो वेदर की आज अपडेट रहने वाली है वो ये कि इन सभी जगहों पर आज तेज़ बारिश हो सकती है, काफ़ी तेज़ बारिश इन जगहों पर होगी। तो अगर आप लोग भी इन स्टेट में हैं तो प्रिपेयर रहिए, साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सभी जगहों पर भी तेज़ बारिश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में तेज़ बारिश आज देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी अगर कुछ राज्यों की बात बताऊँ तो आज अभी भी हीट वेव कंडीशन भारत के कई राज्यों में, जैसे हीट वेव कंडीशन फिलहाल दिल्ली में NCR में नहीं है, पिछले कुछ दिन पहले हमने देखी थी, लेकिन अब राजस्थान में, अब भी अगर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करें तो राजस्थान में इस वक्त भी हीट वेव कंडीशन जारी है। और अगले कुछ राजस्थान में थोड़े ज़्यादा समय के लिए गर्मी रहेगी, करीब 30 जून के आसपास ये माना जा रहा है कि मानसून राजस्थान में दस्तक देगा। लेकिन दिल्ली NCR में कब बारिश होगी ये अभी भी हमने आपको नहीं बताया, तो ये हम आपको बताते हैं कि अगले 2 दिन तक तो गर्मी रहेगी, उसके बाद हल्की बारिश, तेज़ आंधी तूफान, हल्की बारिश, ये कही कि आप 21 तारीख से 22 तारीख से हल्की बारिश दिल्ली NCR में देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से आप थोड़ा सा तो निजात पाएंगे लेकिन पूरी तरह से गर्मी
फिर भी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आपको इंतजार है कि तेज बारिश का और कब दिल्ली में मॉनसून दस्तक देगा, कब हमें दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत मिलेगी, तो हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में मॉनसून जो दस्तक देगा, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी है, करीब 23 जून से लेकर 25 जून के बीच दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दस्तक दे सकता है। तेज़ बारिश और आंधी तूफान दिल्ली में, अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको 23 से 25 जून तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच जो है दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं उनका हमने आपको अपडेट दिया है, कई राज्य जिसमें ऑलरेडी जो मॉनसून है उस मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश तेज शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, साथ ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, इन जगहों पर अब भी जो बारिश है उसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं, गर्मी से राहत पाने का इंतज़ार अब भी लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये अपडेट जो आज हम दे रहे हैं कि आज तो कई राज्यों में गर्मी रहेगी बरकरार, दिल्ली एनसीआर में भी रहेगी, लेकिन ये भी आपको साथ ही साथ बताते चले कि आज का जो अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से वो ये है, आज कल और अगले दो दिन का जो अपडेट है उसके हिसाब से तेज़ आंधी तूफान भी कई राज्यों में आज रहेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पर भी आज जो है तेज़ आंधी तूफान देखने को मिल सकता है, तेज सतही हवाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन तापमान कम नहीं होगा, तापमान उतना ही रहेगा, तापमान आज और कल जो है वो बढ़ा रहेगा, गर्मी बढ़ी रहेगी, लेकिन गर्मी से निजात पाने के लिए अभी आपको, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब राज्यों से है तो ऑलरेडी आपके राज्यों में बारिश आज पूरे दिन भर में देखने को मिलेगी, अगले दो दिन तक भी वहाँ पर बारिश बनी रहेगी। तो ये आज का ताज़ा अपडेट था, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि बारिश का इंतज़ार अब हम सभी कर रहे हैं, तेज़ गर्मी लगातार पड़ रही है, गर्मी से सभी का हाल बेहाल है इस वक्त, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पर गर्मी से बुरा हाल लोगों का है, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब मॉनसून आएगा, कब हम लोगों को गर्मी से निजात मिलेगा। तो इसके लिए हमने आज आपको ये अपडेट दे दी है कि अगर आप भी इंतज़ार कर रहे हो तो अगले 2 से 3 दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में 23 से 25 के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है, और उससे पहले भी कुछ प्री मॉनसून शावर्स देखने को दिल्ली में मिल सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.